हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का सेकंड ब्लॉग है। फर्स्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ अपने होम से लेकर पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट तक आने की जो भी ट्रैवलिंग है वो शेयर करी थी। अगर आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, सो प्लीज़ उसे जाके देखिएगा। और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी पैराग्लाइडिंग राइड जो है वो शेयर करने वाली हूँ। सो यहाँ पे भैया जो हैं वो पैराशूट को सही से ओपन कर रहे हैं ताकि उसमें अच्छे से एयर फिल हो जाए और वो अच्छे से फ्लाई कर सके। सो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की राइड भी शेयर कर रही हूँ। जब हम एकदम भाग कर टेक ऑफ करते हैं पैराशूट में तो थोड़ा सा डर लगता है, बट जब आप एक बार हवा के साथ पैराशूट में झूलने लगते हैं तो हाँ काफ़ी मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता। हाँ, अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो थोड़ा सा पैनिक सा होता है कि गिर जाएंगे, ऐसी फीलिंग आती है, बट ओवरऑल मुझे तो को ज़्यादा डर नहीं लगा। सो मैंने तो इन्जॉय करा अपना राइड। हाँ, बीच में भैया ने जो 360 स्टंट वगैरह करवाते हैं सो वो मैं प्रॉपरली नहीं कर पाई थी। अभी उन्होंने स्टार्ट ही करा था कि मेरे नाक, आँखों से, मुंह से पानी निकलना शुरू हो गया था। इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि थोड़ी देर के लिए सर घूमने लग गया, क्योंकि वो राउंड राउंड में जो है वो पूरा घुमाते हैं पैराशूट को। सो वो करना मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने 360 कंप्लीट करा था सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे। सो यहाँ पे भैया ने कहा कि आप पैराशूट को छोड़ दीजिए और टाइटेनिक पोज जो है वो ट्राई कीजिए। तो मैंने यहाँ पे ट्राई करा बाजुओं को खोल के फैलाने का, बट बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब अब तो मैंने हाथ छोड़ दिया है और मैं नीचे गिर जाऊँगी अगर पैराशूट थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो। तो डरते डरते मैंने ट्राई किया उनके कहने से, लेकिन बहुत मतलब डर सा लग रहा था। पर जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो काफ़ी मतलब अच्छा जो व्यू देखने को मिलता है, चारों तरफ पहाड़, छोटे छोटे से घर। तो यहाँ पे भैया हमें जो है वो 360 स्टंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे इन्होंने तो 360 राउंड जो था वो ले लिया पैराशूट के साथ, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया और मेरा सर जो था वो घूमने लग गया था और एकदम से मन जो था वो ख़राब सा होने लग गया। ऐसे लग रहा था कि मैं इसे वॉमिट हो जाएगा
और फिर मैंने ही तो भैया को रोक दिया वहीं पे, और अब वो जो है वो हम नीचे लैंडिंग करने जा रहे हैं। जब आप लैंडिंग करते हो ना, नीचे बिल्कुल प्लेन सा ग्राउंड दिखता है, जिसमें हल्की हल्की सी ऐसा लगता है जैसे क्यारियाँ सी बनी हैं, मतलब छोटे छोटे से खेत बने हैं, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है जब आप नीचे आते हो। मुझे टेक ऑफ से ज़्यादा लैंडिंग में मज़ा आया। धीरे धीरे स्लो स्लो से राउंड राउंड में एकदम से नीचे, तो मुझे तो लैंडिंग में बहुत मज़ा आया। सो यहाँ पे मेरे राइट वाले भैया भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने पूरा टाइम जो है वो काफ़ी बातें करी और काफ़ी अच्छे से जो है वो राइट कराई। आपने करवाया, चल रहा है ना? ओके भैया, बाय कर दो। थैंक यू भैया। ओके बाय। भैया इसको हैंडल कर रहे हैं, ये इतना इजी भी नहीं है इसको हैंडल करना है। टू मच। भूत बन गए पूरे। मैंने सोचा आप आगे रुकोगे लैंडिंग में, पूरा वो भैया से ऑन करवा के रखा था, मैंने कहा इनकी लैंडिंग लेती हूँ। अरे नहीं भैया ने बताया वो व्हाइट वाले उसमें हैं, तो मैंने कहा वो वहीं आओगे आप, मैं भी तो आप यहीं लैंड करके। वो कहाँ, वो भी आगे होना अक्षु, पता नहीं आगे। अच्छा वो हमसे बाद में उतरेंगे, पहुँचेंगे गाड़ी में टाइम लगेगा। अच्छा अब ऊपर से तो शॉर्टकट ही है। नहीं नहीं हम थोड़ा घूमते भी ना, मैं तो बोल रहा हूं ये 360 वाला करा थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट करा मैं तो पूरा पूछ लो मेरे स्टैंडिंग से तक नहीं करा मैं उतना ही करा जितने जरूरी। हमारा 360 पता कैसे करा भाई? चलो ठीक है भाई, हमारी तो होगी। कैसे करा होगी? चलो भैया अभी थैंक यू बाय बाय। मेरे तो बस स्टैंड लगवा दिए, देखना अभी नहीं, मैंने अपने भैया की तो करवा दिए। हम कहाँ गए थे बता दो कैमरे में। हाँ, बैलून पार्क गए थे दोनों। और अक्कू को कहाँ छोड़ गए थे? छोड़ गए थे। आपको डर लग रहा था? मैं रो रहा था। आप रो रहे थे? पापा क्यों छोड़ के गए थे बताओ? मैं तो इसको चोको अच्छा, चलो एक टिश्यू दे दो, बस दे दो, आप पापा को दे दो। अपना रंगल करते हैं। चल मैं चोको गई थी। चोको गई थी चोको। अभी हम लोग जो हैं वो राइड करके आए हैं थी। और इसको हम में छोड़ गए थे, जो भी हमने राइडर किए थे भैया। यार भूत बन गई मैं तो पूरी की पूरी है शमी, मैं तो भूत ही बन गई हूँ, मेरे पहले सकंगी करनी पड़ेगी है। तो इसको हम भैया के पास छोड़ गए थे, वही उन्हें ऊपर से गाड़ी में लेके आए हैं, जो बच्चों को अलाउड नहीं होता राइडिंग करना। सो अब हम जा रहे हैं ब्रॉड वैली और रात को वहीं पे कैंपिंग करेंगे, वहीं स्टे करेंगे, बाकी वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। और
मेरे बेटू ने बहुत कोऑपरेट किया, अगर ये नहीं जाता भैया के पास तो हम लोग नहीं कर पाते पैराग्लाइडिंग, है ना? तो बेबी थैंक यू, थैंक यू बेबी। तो आप मेरे बेबी हो, मैं आपका बेबी कहाँ से हूँ? वेलकम मामा। आप बोलोगे वेलकम मामा, वेलकम पापा। हाँ थैंक यू बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। बेबी मैंने वो लिया था। अच्छा हाँ, यहाँ पे बता दो कि मम्मा पापा कहाँ चले गए थे? इसको छोड़ के चले गए थे हम। क्या कहाँ पे गए थे? मम्मा आप मुझे से गए थे तुम पे जाने। हम बैलून बैच गए थे। बैलून पर मुझे गए थे। चलो भाई हम यहाँ पे कुछ ड्राइव कर रहा हूँ। हम दोनों ने मास्क नहीं लगाया, हमें मरने से कोई डर नहीं। यहाँ लोगों को डर ही बहुत लगता है। पुलिस ने भी आधे लोगों को ऐसे दहशत में लगा रखा है। मैं शॉप से कुछ लेने गया था, मास्क लगा। चलो जैसे रास्ते में वीडियो बनाते हैं और रोड पहुंचते हैं तो आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग।